क्या आप पावर लूम के लिए अलग से स्टडी ग्रुप बनाकर, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी में हमको न्याय नहीं मिला, आप एक स्टडी ग्रुप बनाकर टाइम बाउंड महीने में, 2 महीने में आप जो है पावर लूम इंडस्ट्री के विषय जो इंडस्ट्री ने, एसोसिएशन ने, लोक प्रतिनिधि अब तक पहुंचाए, उन पर कोई निर्णय लेंगे क्या? ये 27 HP के नीचे इतनी सब्सिडी, 27 HP के ऊपर इतनी सब्सिडी, आज भिवंडी में क्या होता है मालूम आपको? 27 HP के ऊपर एक दिन के लिए भी मीटर जम किया ना, आपकी सब्सिडी चेंज हो जाती। याची परिस्थिती घेतली आहे की माननीय सन्माननीय सदस्य रईस खान यांचा खूपच अभ्यास आहे, खूप लगाव त्यांचा ह्या उद्योगाशी आहे। साध्या यंत्रमागासाठी 1 रुपया आणि लूम ऑटो लूम साठी 75 पैसे वीज दरामध्ये आपण कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणून ती घोषणा या ठिकाणी मी आपल्या ठिकाणी करतो आहे। दोस्तों बुजुर्गो, आप लोग जानते हैं कि पावर लूम के ताल्लुक से असेंबली में कितनी बार हमने आवाज उठाई है। पिछली बार जब असेंबली में पावर लूम के ताल्लुक से डिटेल लक्ष्यवेदी लगाई गई थी और सरकार से सवाल पूछे गए थे, तो उस लक्ष्यवेदी के जवाब में चंद्रकांत पाटिल, सन्माननीय चंद्रकांत पाटिल ने एक जवाब दिया था कि हम रईस शेख की डिमांड पर पावर लूम कमेटी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन में उसका जिया निकला, पावर लूम कमेटी बनी, मुझे भी उसका सदस्य बनाया गया और सन्माननीय दादा भूसे जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको उसका चेयरमैन बनाया गया। कमेटी 2 महीने में पूरे महाराष्ट्र के पावर लूम के जितने भी एसोसिएशन है और इलाके हैं वहां गई और ये रिकॉर्ड टाइम में 2 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में जितने हमको निवेदन आए थे, खासतौर से भिवंडी से, मालेगांव से, इचलकरंजी से, शोधापुर, नागपुर से, उनके सारे सुझाव हमने सरकार को दिए थे और कमेटी ने तभी 23 पॉइंट की रिपोर्ट जो है सरकार को दी। सबसे पहला मुद्दा था कि सन्माननीय अजीत दादाजी जब महाविकास अघाड़ी के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने वादा किया था कि 27 HP के नीचे के जितने बावजूद में उनको 1 रुपए की एडिशनल सब्सिडी और जो 27 HP के ऊपर है उनको 75 पैसे की सब्सिडी सरकार देगी। इस कमेटी की रिपोर्ट हमने कैबिनेट को भी सबमिट की है, इस कमेटी की रिपोर्ट हमने टेक्सटाइल मिनिस्टर को भी दी है और मुझे खुशी है कि पिछले यही हफ्ते जो गुजरा इचलकरंजी में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि पावर लूम कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जो लक्ष्मीदी भिवंडी के बुनियाद में लगी थी उसके बुनियाद पे सरकार ये सब्सिडी देगी। लेकिन मैं अब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि सभा की घोषणा तो बहुत बार हो गई, इससे पहले भी आपके पहले मुख्यमंत्रियों ने सभा में बहुत अनाउंसमेंट किए। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-3 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, अगर ये सरकार ईमानदार है तो कल या परसों ये सरकार इसी को कैबिनेट निर्णय करके घोषणा कर दे और हमारा GR निकाल दे ताकि इमीडिएटली ये सब्सिडी हमको मिले।